आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पार्टी जो है चुनाव के लिए किस तरह से तैयार है? चुनाव बिल्कुल जो है वो नजदीक है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो प्रदेश में जो है पार्टी कितनी तैयार है चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव के हम बिल्कुल करीब हैं और शीघ्र ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने ही वाला है। लेकिन अगर मैं तैयारियों की दृष्टि से बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप में तैयार है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का बिलासपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और वहां से चुनाव का शंखनाद भी हुआ। शीघ्र ही 13 तारीख को फिर प्रधानमंत्री जी चंबा में आ रहे हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो कि अभी अभी हिमाचल के प्रवास के बाद दिल्ली लौटे हैं, शीघ्र ही 9, 10 और 11 तारीख को फिर से हिमाचल प्रदेश के प्रवास के ऊपर आ रहे हैं। इस दौरान जहां चारों संसदीय क्षेत्र में हमारे जो पंच परमेश्वर हैं उनके साथ बैठक करेंगे और चुनाव संबंधी टिप्स और विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमारे जो चुने प्रतिनिधि, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला परिषद मेंबर्स, बीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे मेंबर्स, प्रधान, उप प्रधान और स्थानीय निकाय के, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, इसके जो हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स हैं उनके साथ विभिन्न जानकारियां और आने वाले चुनाव की दृष्टि से तैयारियों को लेकर उनको संबोधित भी करेंगे, उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। साथ ही साथ मैं समझता हूं आज भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे विभिन्न मंत्रीगण किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही है? देखिए, मुख्य मुद्दा तो हमारा विकास है। 8.5 वर्ष का ऐतिहासिक कार्यकाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और जिस प्रकार से इस देश की दिशा और दशा बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री और श्री जयराम ठाकुर जी, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को अनेक सौगातें मिली हैं और जो योजनाएं माननीय मोदी जी ने प्रारंभ की उनको जयराम ठाकुर जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। इन 5 सालों में प्रदेश सरकार ने जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम जहां किए हैं, वहीं कोरोना महामारी के समय में भी हिमाचल प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया, जब देश भर में नंबर 1 पर आया। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से इस प्रदेश का विकास इन 5 वर्षों में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हुआ और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सहज, बहुत सरल आज हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो योजनाएं प्रदेश में लाई गई हैं, यहां के जनता की मांगों के अनुरूप जो है इन योजनाओं को जो है हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है। मैं समझता हूं आज प्रदेश की जनता माननीय जयराम ठाकुर जी के साथ, माननीय मोदी जी के साथ, माननीय नड्डा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आने वाले चुनाव को मजबूती के साथ लड़ते हुए इसमें हम जीत हासिल करेंगे और फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे।